सुनता नहीं है, दुष्ट महिला है। हिंदू लेडीज हैव बीन मोलेस्टेड रेप एंड नाउ शी इज ट्राइंग टू कवर इट अप। हमारे जो दलित है, हमारे जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन का लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। लाइक नंदीग्राम, वुमेन हैव स्टार्टेड द रेवोल्यूशन टुडे अगेन। संदेश खाली वुमेन हैव स्टार्टेड द रेवोल्यूशन। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय ये दिन न देखना पड़ता। नाउ वेस्ट बंगाल इज बर्निंग एंड दिस विल गो ऑन। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली में हिंसा भड़कने के बाद जमीनी स्तर पर स्थिति का जायजा लेने के लिए बीजेपी का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल आज संदेश खाली पहुंचने वाला था। हालांकि पश्चिम बंगाल पुलिस द्वारा उन्हें बीच रास्ते में ही रोक लिया गया। ऐसे में प्रतिनिधि मंडल वापस कोलकाता लौट रहा है। प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने आरोप लगाया है कि पुलिस अपराधियों और गुंडों को संरक्षण दे रही है। हम मिलने आए हैं, पीड़ित बहनों को न्याय दिलाना चाहते हैं। आज जिस मुस्तैदी के साथ पश्चिम बंगाल की पुलिस यहाँ पे खड़ी है, पुलिस खड़ी है, रोक रही है, यही मुस्तैदी शेख शाहजहां को पकड़ने में किया होता। शेख शाहजहां के गुंडों के द्वारा जब बहनों को प्रताड़ित किया जा रहा था, वो जब गुहार लगा रही थी न्याय की, उस समय अगर सजग हुए होते तो आज ये समय ये दिन न देखना पड़ता। आज जो मुस्तैदी हमें रोकने के लिए ये कर रही है, यही मुस्तैदी उस दिन होता तो ये नौबत नहीं आती, ये दिन देखना न पड़ता। आज बेटियों के साथ, बहनों के साथ जो हुआ है, जो घटनाएं हुई है, जितनी प्रताड़ना झेलनी उन्हें पड़ी, आज ये देखना नहीं पड़ता। ये बैरिगेट देखे हमरा विश्वास हो गए, ऐसा बैरिगेट देख के हमको भरोसा हो गया। जो वेस्ट बंगाल में सब कुछ गलत हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है, कोई ठीक नहीं हो रहा है। यहाँ पे 144 है, हम लोगों ने बोला 144 में कितने लोग जा सकते हैं? 5 लोग जा सकते हैं, हम 5 लोग जाना चाहते हैं। महिला का दूर दर्द हम सुनना चाहते हैं, उसके साथ खड़ा होना चाहते हैं। और वेस्ट बंगाल जो हमारा संदेश खाली में अभी बैठे है, ऋषि बंकिम चंद्र का भूमि है, शर्मसार करने के लिए वही काफी है। अभी पूरा हम लोग शर्मसार है, बंगाल में महिला का सम्मान नहीं है। जिसने माँ माटी मानुष के नाम बोल के सरकार में आया और माटी को लूट कर रहे, शेख शाहजहां जैसा लोगों ने, हमारी जो फिशरमैन है, हमारी जो दलित है, हमारी जो एससी कम्युनिटी का किसान है, सबका जमीन को लूट रहे हैं, लेकिन पुलिस उनको संरक्षण दे रहे हैं, पब्लिक को संरक्षण नहीं दिया। अभी जो भी हो रहा है ना, पुलिस के देखरेख में हो रहा है। सरकार नियोजित जो अत्याचार है ना, सरकार प्रायोजित अत्याचार यहाँ पे हुआ है। जाने के लिए बैठे हैं, हम देखते हैं। पुलिस बोल रहे हैं हम ऊपर का प्रेशर है, हमारे पास ऑर्डर है आपको नहीं जाने देने के लिए। मैंने बोला किसका ऑर्डर है? वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। उसका मुख्यमंत्री का इतना डर क्यों है? अन्याय भी करे और अन्याय को किसी ने उस महिला के साथ खड़ा होने के लिए कोई आया, उसको जाने के लिए नहीं दे रहा है। मतलब ममता बनर्जी आपका वेस्ट बंगाल का जो मुख्यमंत्री है, जो ममता है, असल में ममता नहीं है, दुष्ट महिला है ममता बनर्जी एंड हर गवर्नमेंट इज। टुडे सेंट्रल मिनिस्टर्स आर हियर, दे आर नॉट बीइंग अलाउड। Even after saying that five of us will be going, there is section 144 and only five of us will be going. Then we said only two of us will be going, only two ministers will be going. Then also they are not allowing. Because they have strict instruction that BJP central government, you know, delegation will not be allowed. Mamata knows what has happened over there. Hindu ladies have been molested, raped, and now she's trying to cover it up. Now West Bengal is burning. And this will go on. This revolution which Mamata, the women of Sandesh Kali have started, this will go on. Whether we are allowed to go or we aren't allowed to go. Like Nandigram, women have started the revolution. Today again, Sandesh Kali women have started the revolution. And this will go on.
आपको बता दें कि संदेश खाली की स्थिति का जायजा लेने पहुंचे 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया है।